हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप फ्री फायर मैक्स में लॉबी के अंदर गाड़ी को चेंज कैसे कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके फ्री फायर मैक्स में लॉबी के अंदर बाइक या कोई भी दूसरा जीप या कार आता है और दोस्तों आप उसे चेंज करना चाहते हो, आप अपनी मर्जी से अपनी लॉबी में कोई कार रखना चाहते हो, तो दोस्तों वीडियो को कम्प्लीट देखना। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप फ्री फायर मैक्स में लॉबी में कार चेंज कैसे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं। दोस्तों, फ्री फायर मैक्स में लॉबी के अंदर गाड़ी को कार को चेंज करने के लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फ्री फायर मैक्स को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखते हो मैंने अपने मोबाइल में फ्री फायर मैक्स को ओपन कर लिया है। और दोस्तों फ्री फायर मैक्स ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखते हो मेरी लॉबी के अंदर जो भी कार है, जो भी कार का स्कैन है, वो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो दोस्तों फ्री फायर मैक्स लॉबी के अंदर कार या जीप या बाइक चेंज करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपके पास अगर यहाँ पे बाइक आ रही है तो दोस्तों आपको इस बाइक पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब दोस्तों मैंने कार को सिलेक्ट कर रखा है, तो दोस्तों यहाँ पे मेरी कार आ रही है। तो दोस्तों आपको फ्री फायर मैक्स लॉबी के अंदर गाड़ी को चेंज करने के लिए आपको इस गाड़ी के ऊपर क्लिक करनी है, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप गाड़ी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे चेंज करने के लिए, तो दोस्तों जितने भी गाड़ियां हमें फ्री फायर मैक्स में देखने को मिलती है वो दोस्तों यहां पर आ जाएगी। यहां पर आप देखते हो मैं इन तीनों गाड़ियों में से कोई भी एक गाड़ी रख सकता हूं, मैं आप देखते हो ये जिप भी रख सकता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो मैं डंपर भी रख सकता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मैं इस डंपर को रख रहा हूँ, और दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो मैंने डंपर पर क्लिक कर दिया। डंपर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको वापस कट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप वापस कट करोगे यहाँ पर आप देखते हो मेरी फ्री फायर मैक्स में जो कि लॉबी के अंदर कार की जगह डंपर आ चुका है। यहाँ पे अब दोस्तों पहले यहाँ पे आपको कार दिखाई दे रही, अब यहाँ पे अब दोस्तों मेरी फ्री फायर मैक्स लॉबी के अंदर जो कि मैंने डंपर को चेंज किया, जो मैंने अभी चेंज किया वो यहाँ पे आ चुकी है। तो दोस्तों फिर से मैं आपको एक बार और चेंज करके दिखा देता हूँ। अब की बार मैं जिप को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे अब दोस्तों मैंने जिप पर क्लिक किया और वापस यहाँ पर कट कर दिया। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका, यहाँ पर दोस्तों वापस जिप आ चुकी है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपनी फ्री फायर मैक्स लॉबी के अंदर कोई भी कार या बाइक गाड़ी को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आप सीख गए होंगे कि फ्री फायर मैक्स में कार को चेंज कैसे करें या बाइक को चेंज कैसे करें। अगर दोस्तों आप सीख गए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर दोस्तों आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।